Hello everyone! Welcome to the most entertaining, exciting and thrilling session of maths classes from 9 to 10th. I am your super maths teacher Ashutosh Singh. At educator we always empower our learners as how to think, not what to think. This is our YouTube channel, Educa. YouTube channel. You can like it, share it, and subscribe it. And don't forget to hit the bell icon in order to get the latest update. Okay. So let's start with the today's topic. Today's topic is real number part four. Okay. So, let's see it one by one. Yeah. So, this is our today's topic, Real Number, Revisiting Rational and their Decimal Expansion, okay? So, I told you before, the Rational numbers are those numbers which are in the form of P upon Q where P and Q are co-prime numbers, okay? और मैंने आपको यह भी बताया था पी एंड क्यू को प्राइम्स क्यों होते हैं ठीक तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई एम टेकिंग जीरो पॉइंट जीरो फाइव ओके सो दिस इज इन डेसिमल फॉर्म आई कैन राइट लाइक दिस द सेम वन लाइक इंट टू जीरो यू कैन राइट लाइक डेस्ट क्यों क्योंकि डेसीमल के बाद क्या है दो प्लेसेस है ना तो हमने दो जीरो लगा दिए ठीक और एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल जीरो पॉइंट जीरो 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 नाइन ओके सो वॉट यू हैव टू डू इस नौ लिखना है ये पॉइंट हटाना है ठीक है ये वाला पॉइंट हटा दिया तो एक दो तीन एंड चार एंड फाइव ओके वन टू थ्री फोर एंड फाइव ओके सो यू हैव टू डू इट इन द सेम वे लेट्स द एग्जाम्पल वी हैव द एग्जाम्पल जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू सेवन ओके द फर्स्ट वन एग्जाम्पल सो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक दो तीन चार तो आपको क्या करना है ये जो है फाइव टू सेवन ठीक आपको ज़ीरो को नहीं उतारना है ठीक है आपको फाइव टू सेवन लिखा हो उसके बाद एक दो तीन और चार जितनी पॉइंट के बाद संख्या हैं उतने ज़ीरो ठीक है यहाँ देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या है एक दो तीन चार एंड पाँच पॉइंट को आपने हटाया तो क्या आएगा टू सिक्स जो पॉइंट को हटा दिया तो वन टू फोर एट नाइन वो एज इट इज़ आ जाएगा उसके बाद कितनी संख्या है एक दो तीन चार पाँच ओके सो एक दो तीन चार एंड पाँच सो यू हैव टू राइट दिस डेसिमल फॉर्म इन दम ऑफ पी अपन क्यू ओके सो सो वी हैव कन्वर्ड रियल नंबर हूज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटेड नंबर दियर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स जैसे कि मैंने बताया था पी एंड क्यू क्या होते हैं को प्राइम्स होते हैं ठीक है and uh, has only power of 2 and power of 5 or both we should always understand that the denominator is of power of 10 and can be only prime factor okay so let's see hai. whole for example we have an example this is in decimal form you can write like this 5 upon 100 okay all right So what you have to do is you have to factorize 100 in the form of 2 ki power n and 5 ki power m. Let's see. 50. This is 25. Okay, and this is 5 and again 5. Okay, इस तरीके से लिखना है, ठीक? तो हमने क्या किया? इसको क्या लिया फाइव अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको टू की पावर टू टू की पावर टू इंटू फाइव की पावर टू ओके okay? तो हमने क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन से कि हमें जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स आपका हंड्रेड आएगा या टेन आएगा या थाउजेंड आएगा सो यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर नाइव की पावर एम ओके okay? तो आपको इस फॉर्म में लिखना है टू की पावर एन एंड मल्टीप्लाई विथ फाइव की पावर एम ओके वेयर एन एंड एम कैन बी अ होल नंबर ओके तो होल नंबर का मतलब क्या है कि एन और एम की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है ठीक एन और एम की वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीज़र तो होगी होगी ठीक है एन और एम की जो वैल्यू है कैन नेवर बी नेगेटिव इनकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी ठीक है एन और एम क्या होंगे होल नंबर्स मतलब इनकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है और एक पॉजिटिव इंटीजर होगी ठीक डॉट का मतलब क्या है डॉट रिप्रेजेंट द मल्टीप्लीकेशन ओके तो आपको इस तरीके से करना है ठीक तो ये टू की पावर टू हो गई ठीक है टू एक होल नंबर है एंड फाइव की पावर टू तो ये वाला जो टू है पावर है जो एम है ये जो टू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम को ठीक है तो एन एंड एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर ओके तो हमने क्या किया जो हंड्रेड था उसको पहले फैक्टराइज कर दिया फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर एन एंड फाइव की पावर एम ओके सो वो यही बोल रहा है ठीक है वेयर टू एंड फाइव आर द प्राइम नंबर्स ओके टू एंड फाइव क्या है आर द प्राइम नंबर्स ठीक ये देखिए टू की पावर एन एंड फाइव की पावर एन वेयर एन एन एम आर सम नॉन नेगेटिव वेयर एन एम एम एन एन एम आर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ओके तो ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स विच मीन्स या तो इनकी वैल्यू जीरो होगी या तो पॉजिटिव इंटीजर होंगे ठीक है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस Yeah, okay. Yeah, let's see. Hmm. So what we have is we have a theorem. Let's see. Let x be a rational number. So rational number are those numbers which are in the form of P upon Q, where P and Q are. कोप्राइम नंबर्स एंड क्यूज ऑलवेज नॉट इक्वल टू जीरो ओके सो दैन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू ये क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि एक्स क्या होगा पी अपन क्यू की फॉर्म में होगा ठीक है जहा पी एंड क्यू क्या है कोप्राइम नंबर हैं और जो क्यू है वो क्या है नॉट इक्वल्स टू जीरो ठीक पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर्स एंड द प्राइम फैक्ट्राइजेशन ऑफ क्यू सो वॉट यू हैव टू डू इज जो हमने जैसे कि देखा था लास्ट क्वेश्चन में हंड्रेड था तो हमने उसे क्या किया ब्रेक कर दिया किसमें प्राइम फैक्ट्राइजेशन में ठीक प्राइम में भी हमें टू और फाइव में ही ब्रेक करना है हमें ऐसा नहीं करना है कि उसको सेवन या थर्टीन में ब्रेक करना है क्यों क्योंकि आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको बताऊँगा क्यों ठीक है तो आपको टू और फाइव की ही पावर में आपको ब्रेक करना है ठीक है तो Q क्या है P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स और जो Q है यू हैव टू ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर एम and q is always not equals to zero and there is one more thing you have to remember the 2 ki power n and 5 ki power m where n and m are the whole numbers okay which means the value of n and m can be zero and positive integer but never be negative okay so this is all about That'd be a rational number in the lowest. such ट the ऑफ बीज इन दफ एन एम एम एंड यही सब दिया हुआ है ठीक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ठीक Let's see. ये है टू की पावर n एंड फाइव की पावर m, ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स और उसी के लिए हैं, ठीक है तो जीरो पॉइंट थ्री फाइव को हम कैसे लिख सकते हैं 35 फाइव अपॉन डेसीमल के बाद कितने हैं दो डिजिट्स हैं तो दो जीरो ठीक डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं तो दो जीरो इसके बाद चार डिजिट्स हैं तो पूरा ऐसे ही उतार दिए उसके बाद एक दो तीन चार यानी जितनी डिजिट्स होंगी उतने जीरो आ जाएंगे ठीक है लेट्स सी सो लेट्स टॉकिंग अबाउट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स ओके सो सो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल एट सी सो टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं जो कि जिनका कोई एंडिंग पॉइंट होता है ठीक टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं जिनका कोई टर्मिनेशन पॉइंट होता है लाइक रेशनल नंबर्स आर दी टर्मिनेटिंग नंबर्स ओके वाइल द रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग ओके फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल रूट थ्री इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रूट फाइव इज़ नॉन टर्मिनेटिंग ओके सो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं non terminating let's see uh, let's suppose I am writing I am writing 5 upon 10 okay so you can write 10 like this 2 into 5 okay you can write 10 like this 2 into 5 where 5 key power is 1 and 2 key power is 1 okay the value of n is 1

Decimal, सो so, मेरे पास क्या आ जाएगा थ्री अपॉन ये आ जाएगा ठीक है एंड यू कैन राइट लाइक दिस टू की पावर एन एंड फाइव की पावर एम को इस तरीके से आपको लिखना है थाउजेंड को आपको कैसे लिखना है टू की पावर एन एंड फाइव की पावर एम में ठीक है स्कोर इसको ठीक है तो थाउजेंड को आपको इस तरीके से लिखना है ठीक है टू की पावर एन एंड फाइव की पावर ये कैसे लिखेंगे हमें थाउजेंड को यह करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा ठीक है जब हम थाउजेंड को फैक्टराइज़ कर पाएंगे तभी हम टू की पावर एन एंड फाइव की पावर एम में इसको लिख पाएंगे ठीक सो सो टर्मिनेशन होने के लिए क्या जरूरी है टर्मिनेशन होने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें क्या है टेन आए या तो हंड्रेड आए या तो थाउजेंड आए ओके ये टेन थाउजेंड आए मतलब नीचे टेन की पावर में कुछ आना जरूरी है तभी वो आपका टर्मिनेशन होगा ठीक है ठीक अगर सपोज़ लेट सपोज़ अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर है ठीक है फाइव थ्री फोर टू टू वन ज़ीरो नाइन एट और ये आगे चलता चला जा रहा है ठीक है मेरे पास कोई इस टाइप का नंबर है ठीक है अब मुझे नहीं पता कि इसका एंडिंग क्या है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है मुझे नहीं पता कि इसकी एंडिंग क्या है डॉट 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 मीन्स कि ये आगे चलता चला जा रहा है ठीक है ठीक है इसका मुझे कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है ठीक जब तक मुझे इसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं पता होगा तो अगर मैट सपोज मुझे डेसिमल यह पॉइंट हटाना है तो मैं ओबियस सी बात है नीचे ज़ीरो लगाऊंगा ठीक है ज़ीरो मैं कितने लगाऊँ ये कैसे पता चलेगा जब मुझे इसका एंडिंग पॉइंट पता होगा जब मुझे इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता तो मैं कितने ज़ीरो लगाऊंगा नहीं लगा सकता क्यों क्योंकि मुझे इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता जब मुझे इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं पता रहेगा तब मुझे ये भी नहीं पता रहेगा कि नीचे कितने जीरोज आएंगे ठीक है इसलिए इसलिए क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है कि जो जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो मैंने क्या लिख दिया इसको वन ज़ीरो ज़ीरो अपॉन इस तरीके से लिख दिया ठीक इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ज़ीरो था ठीक है तो इसका मुझे पता था ठीक है तो मैंने इसलिए इसको कन्वर्ट करके लिख दिया ठीक और जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ जीरो पॉइंट फाइव थ्री टू ओके इसका मुझे टर्मिनेटिंग पॉइंट पता है टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है टू है ठीक है ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है दिस इज द टर्मिनेटिंग पॉइंट सो वी कैन राइट जीरो पॉइंट फाइव थ्री टू इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू ओके आफ्टर रिमूविंग दिस पॉइंट दिस डेसिमल पॉइंट ओके टू इज़ द टर्मिनेटिंग पॉइंट सो वी कैन रिप्रेजेंट जीरो पॉइंट फाइव थ्री टू इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यूब तो फाइव थ्री टू अपॉन तीन जीरो आ जाएंगे ठीक है सो दिस इज़ दी टर्मिनेटिंग पॉइंट अगर मेरे को टर्मिनेशन पता होगा तभी तो मैं नीचे कितने ज़ीरोज़ आएंगे ये मैं बता पाऊँगा जब मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे बता पाऊँगा ठीक है तो मुझे मुझे पता था कि ये जो वैल्यू है ये दो पे एंड हो रही है ठीक है ये दो पे एंड हो रही है ये दो पे एंड हो रही है तभी तो मुझे पता चला कि नीचे कितने जीरोज आएंगे क्यों एक दो और तीन तीन डिजिट्स हैं तो तीन जीरो आएंगे क्यों दो क्या है इसका एक टर्मिनेशन पॉइंट है ठीक है बट इस वाले एग्जाम्पल में इस वाले एग्ज़ाम्पल में डॉट 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 था ठीक है इसमें क्या है कोई टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है जब तक मुझे इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता चलेगा तब तक मैं ये कैसे बता सकता हूँ देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ यानी इसमें नौ ज़ीरो तो आ ही जाएंगे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एंड नौ ठीक है नौ जीरो तो इसमें आएंगे ही बट जब तक मुझे इसकी आगे की डिजिट्स नहीं पता चलेंगी कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स है तब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ जीरोस और आएंगे दैट्स वाई ये क्या है एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ठीक सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ओके या सो सो वोशनल नंबर्स आर दी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स फॉर एग्जाम्पल द रूट थ्री द रूट फाइव रूट सेवन एंड रूट इलेवन ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्यों क्योंकि हमें इनका एंडिंग पॉइंट नहीं पता हमें इनका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं पता जब तक हमें इनका एंडिंग और टर्मिनेशन पॉइंट नहीं पता होगा तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि डेसिमल यानी पॉइंट को रिमूव करने के बाद नीचे कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ आएंगे ठीक है तब हम जब तक हमें नहीं पता होगा कि नीचे कितने नंबर ऑफ़ जीरोज़ आएंगे तब तक हम उसे पी एप ऑन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे ठीक है इसलिए ये जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं क्यों क्योंकि हम इन्हें पी एप ऑन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेके बताऊँ लेट सपोज आई हैव दैल्यू द लेट्स टेकन एग्जाम्पल ऑफ रूट थ्री दैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेट दिस इज़ दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओके दिस इज़ दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट थ्री एंड आई डोंट नो कि इसके बाद कितने नंबर्स होंगे फॉर एक्ज़ाम्पल इस तरीके से भी हो सकता है फाइव नाइन थ्री अगेन फोर वन एट ठीक है तो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा ठीक मुझे नहीं पता कि इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा ये वैल्यू आगे बढ़ती चली जा रही है ठीक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस एंड ग्यारह ठीक तो इसमें ग्यारह जीरोज जा आ जाएंगे पाँच छः एक दो तीन छः सात आठ नौ दस एंड ग्यारह ठीक और मुझे नहीं पता कि इसके जीरोज कहाँ एंड होंगे ठीक तो ये जो है ये जो फॉर्म है ये पी अपॉन ऑन की फॉर्म नहीं है क्यों क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऊपर कहाँ नंबर एंड हो रहा है और मुझे नहीं पता कि यहाँ कहाँ नंबर एंड हो रहा है जब तक मुझे नहीं पता होगा कि प्रॉपर कहाँ एंड हो रहा है तब तक मैं इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकता ठीक है मैं इसको काट ही नहीं सकता अगर मैं ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर से अगर डिनोमिनेटर को कैंसिल करना चाहूँ तो मैं कर ही नहीं सकता कैंसिल जब तक मैं कैंसिल आउट नहीं कर पाऊँगा तब तक मुझे कैसे पता होगा कि ये पी एफ ऑन क्यों की फॉर्म में है ठीक है तो तो दैट्स वाई रूट थ्री इज़ एन ए नंबर ओके

Q okay, so this is a rational number, okay. but root 5, root 7, root 11, root 13, okay, root 15, and root 17, these all are the rational numbers. Okay. So, this is all about the concept of the termination and non termination. Let's see according to the question state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion. और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ओके सो हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है ठीक टर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है टर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या आए टेन की पावर में कुछ आए टेन की पावर में कुछ आने का मतलब है लेट सपोज ऊपर कुछ भी आए ऊपर कुछ भी आए बट नीचे टेन की पावर में कुछ आना चाहिए ठीक है यानी टेन की पावर एन की फॉर्म में कुछ आना चाहिए तो टेन की पावर एन की फॉर्म में, तो में आने का मतलब है कि टेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ टू इंटू फाइव की पावर एन ओके इस फॉर्म में कुछ आना चाहिए ठीक है इस फॉर्म में यानी नीचे टेन की फॉर्म में कुछ बनना चाहिए ठीक सो so, जब नीचे टेन की फॉर्म में बनेगा तभी हम कह सकते हैं कि उसका कोई टर्मिनेशन पॉइंट होगा अदरवाइज नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग ओके सो लेट्स एन एग्जाम्पल द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज

टू की पावर एन और फाइव की पावर एन की फॉर्म बननी चाहिए और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एन और एम है ये होल नंबर हो सकते हैं होल नंबर का मतलब है कि इनकी वैल्यू जो एम की जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो सकती है एन की वैल्यू भी ज़ीरो हो सकती है टेन भी हो सकता है या तो टू होगा या तो फाइव होगा ठीक और टेन भी होगा ठीक है तो याद इधर टू फाइव और टेन तो एन की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है या एम की वैल्यू तो यहाँ क्या है इसकी वैल्यू जीरो है बट टू की पावर में कुछ है ठीक है तो हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख दिया ठीक है सो दिस इज दी टर्मिनेटिंग नंबर ओके दिस इज द टर्मिनेटिंग नंबर लेट्स सी अदर अनदर एग्जाम्पल तो टर्मिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें टू की पावर एन और फाइव की पावर एम की फॉर्म में होना ज़रूरी है ठीक है जहाँ एन और एम की जो वैल्यू है वो आपकी जीरो भी हो सकती है ठीक है तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल अनदर वन द सेकंड वन 29 ट्वेंटी नाइन अपॉन थ्री फोर थ्री ओके सो यू कैन राइट थ्री फोर थ्री इज सेवन क्यूब ओके सेवन क्यूब ओके ये है ठीक है ना तो यहाँ टू है ना तो यहाँ फाइव है ओके okay? तो इसे ब्रेक करके हम नहीं लिख सकते टू की पावर एन में और फाइव की पावर एन में ओके okay? जब इसे ब्रेक करके नहीं लिख सकते तो ये क्या है हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ठीक सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग लेट्स सी थर्ड वन लेट्स सी थर्ड वन फिफ्टीन अबॉन सिक्सटीन ओके सो लेट्स सी फिफ्टीन अबॉन सिक्सटीन सो दिस इज फिफ्टीन अबॉन सिक्सटीन ओके जब हम 16 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा टू की पावर एट सॉरी टू फोर जा एट टू टू ज फोर एंड टू वन जा टू विच मीन्स यू कैन राइट 16 इन 2 की पावर फोर आप दो की पावर फोर में लिख सकते हैं ठीक है इन फाइव की पावर जीरो ठीक इस तरीके से लिख सकते हैं टू तो की पावर एन और फाइव की पावर एम फॉर्म बन गई ठीक है so this is a terminating number okay so this is the terminating number this third one let's see about the fourth one 12 upon 20 12 upon 20 so 12 upon 20 okay so you can write 20 like this you have to factorize 20 2 fives are 10 एंड 5 वन सा फाइव ओके तो 12 अपॉन 2 की पावर 2 इन टू फाइव की पावर वन तो ये फॉर्म में हो गया 2 की पावर n और 5 की पावर m जहां n की वैल्यू 2 है और m की वैल्यू 1 है हमें इसी फॉर्म में करना था और इसी फॉर्म में लिख दिया ठीक है तो हमें आप कोशिश करनी है कि नीचे क्या बनाना है 2 की पावर n और 5 की पावर m अगर ये फॉर्म नहीं बनती है तो यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ठीक है ये फॉर्म बन गई यानी ये टर्मिनेटिंग नंबर है ठीक लेट सी दी लास्ट वन क्वेश्चन थर्टीन अपॉन थर्टी फाइव ओके थर्टीन अपॉन थर्टी फाइव लेट सी सो थर्टीन अपॉन थर्टी फाइव This is 35. You have to write, you have to factorize it. So 5 7s are 35 and 7 ones are 7. Okay. So you can write like this 5 ki power 1 into 2 ki power 0 into 7 ki power 1. ठीक है आप इस तरीके से लिख सकते हैं बट लेकिन ये फॉर्म तो देखो नीचे बन रही है बट इसके अलावा क्या आ रहा है सेवन भी आ रहा है और मैंने बताया था डिनोमिनेटर में ओनली क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर में ओनली ये वाली फॉर्म बननी चाहिए आपकी फाइव की पावर एन एंड टू की पावर n ठीक है ठीक तो आपको ये वाली फॉर्म बननी चाहिए ठीक है ना डिनोमिनेटर में या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू की पावर एन और फाइव के पावर देखो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है ना चाहे फाइव को पहले लिख दो ठीक है फाइव की पावर एन को पहले लिख दो या टू की पावर एन को बाद में लिख दो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन ठीक तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो ठीक है और यहाँ पे क्या है ये फॉर्म तो बन रही है बट साथ में सेवन भी आ रहा है और इस फॉर्म के अलावा टू और फाइव के अलावा टू की पावर समथिंग और फाइव की पावर समथिंग के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है आपके पास ठीक है तो डैट्स मीन यानी सेवन आ रहा है या नाइन आ रहा है या थर्टीन आ रहा है तो डैट्स मीन दिस नंबर इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ओके सो आई होप आप लोगों को समझ में होगा ओके सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आर एडुकेट यूट्यूब चैनल And don't forget to press the bell icon in order to get the latest update. Okay? So let's see and move towards the next question. Yeah. Express zero point two five four five के ऊपर क्या है? Bar है. ठीक है? उसे हम यह क्या करना है? एक simplest form में convert करना है. ठीक है सिंपलेस्ट फॉर्म का अगर मैं मतलब बोलूं तो उसे आपको पी एफ ऑन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है ठीक है तो पी एफ ऑन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो लेट्स सी देखो कैसे होगा क्वेश्चन पहले मैं आपको बार का मतलब बता देता हूं कि बार का मतलब होता क्या है राइट अगर देखो जीरो पॉइंट लेट सपोज मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूँ जैसे कि मैंने लिया फोर बार तो बार क्या रिप्रेजेंट करता है बार रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन को मतलब इसी नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूँ ज़ीरो पॉइंट फोर 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 और ये आगे बढ़ता चला जाएगा ठीक है ये फोर है ये आगे बढ़ता चला जाएगा हमें नहीं पता कि कहाँ तक ये आगे जा रहा है ठीक है नहीं पता हमें कहाँ तक आगे जा रहा है बट एक ही सेम जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है फोर 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 बट हमें नहीं पता इसका कोई एंडिंग पॉइंट क्या है ठीक सो यू कैन राइट दिस नंबर लाइक दिस ज़ीरो पॉइंट फोर की पावर फो सॉरी पावर में नहीं है ये बार है ठीक है फोर बार ओके ठीक तो इसका मतलब ये होता है ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं लेट सपोज मैंने लिखा फाइव सिक्स बार ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है ज़ीरो पॉइंट फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स ओके और कहाँ तक जा रहा है मुझे नहीं पता यानी जो नंबर के ऊपर जिस नंबर के ऊपर बार है वो क्या होगा रिपीट होगा ठीक है एंड हमें इसका कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं पता ठीक बट यहाँ क्या है एक ही नंबर का सेम टाइप के नंबर का रिपीटेशन है ठीक है तो ये सेम टाइप के नंबर का रिपीटेशन है बट इसका हमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं पता फाइव सिक्स की पावर सॉरी फाइव सिक्स के ऊपर क्या है बार है ठीक है तो बार का मतलब क्या है जो फाइव सिक्स है वो रिपीट होगा रिपीट होगा, ठीक है रिपीट होगा हमें नहीं पता कहां तक रिपीट होगा कितनी बार रिपीट होगा ठीक तो इसका मतलब इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है जीरो पॉइंट टू थ्री टू बार ओके इस तरीके से कुछ है ठीक है इसका मतलब क्या है ये डॉट है डॉट रिप्रेजेंट यू कैन राइट लाइक दिस टू थ्री टू के ऊपर बार है सो थ्री टू को आपको क्या करना है रिपीट करना है ओके सो थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू और डैश 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 ओके क्यों क्योंकि हमें नहीं पता कि थ्री जो थर्टी टू है वो कहाँ तक कितनी बार रिपीट होगा ठीक है सो so बार का मतलब यही है बार उसी नंबर के ऊपर आता है जहाँ सिमिलर रिपीटेशन होता है सिमिलर मींस ये देखो थ्री टू रिप्रेजेंटेशन फिर थ्री टू थ्री टू थ्री टू थ्री टू ओके एक ही टाइप के जो नंबर्स हैं उनका रिपीटेशन हो रहा है तो इस फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो और इसी फॉर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ठीक है दोनों फॉर्म एक ही हैं ठीक ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ बार सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन वट वी हैव नाउ जीरो पॉइंट टू फाइव फोर एंड फाइव फोर के ऊपर क्या है बार है ठीक है इससे मुझे क्या है, simplest form करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है विच मीन्स आई नीड टू कन्वर्ट दिस इन दम ऑफ पी अपॉन क्यू ओके सो लेट सी लेट सपोज दिस नंबर इज इक्वल्स टू एक्स लेट एक्स बी एन एनी नंबर लेट एक्स बी एन एनी नंबर ओके ज़ीरो पॉइंट टू फाइव फोर के ऊपर क्या है बार है ओके सो यू कैन राइट लाइक दिस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर ओके एंड फाइव फोर और आगे 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 ये चलता चला जाएगा ठीक है सो यू हैव टू राइट इन दिस मैनर अब आपको करना क्या है आप वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ टेन अब मैं क्या करूँगा दस से मल्टीप्लाई करूँगा ठीक है दस से मल्टीप्लाई करूँगा इससे देखो होगा क्या अगर मैं दस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा टू पॉइंट ठीक टू पॉइंट फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर इस तरह से कुछ बन जाएगा ठीक है ठीक मुझे क्या करना है उसको p अपॉन q क्यों की फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसीलिए मैंने क्या किया इस तरह का कोई ट्रिक का इस्तेमाल किया कि मैं उसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा टेन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक डैसीमल शिफ्ट हो रहा है ठीक है ना डैसीमल शिफ्ट हो रहा है ठीक टेन से मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है आप क्या करेंगे अब क्या करेंगे अब, अब मैं क्या करता हूँ कि देखो मैं थाउजेंड से हंड्रेड से एक बार और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ मतलब इसी में हंड्रेड से एक बार और हंड्रेड से एक बार और मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक अगर मैं हंड्रेड से एक बार और मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या होगा इसी में इसी क्वेश्चन में इसी में ऊपर वाले में मैंने क्या किया हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक तो क्या हो जाएगा थाउजेंट एक्स एक्स हो जाएगा कि नहीं थाउजेंट एक्स बराबर कितना हो जाएगा टू फाइव 4.54, 54, 54, 54, ओके सो इस तरीके से जाएगा ठीक अब देखो देखो अब मल्टीप्लीकेशन करने का हमने क्यों किया ऐसे? क्यों अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूँ ठीक है ये मेरी फर्स्ट वन है ये मेरी सेकंड वन है अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा इतना जो पार्ट है इतना जो पार्ट है यहाँ तक यहाँ तक जो सप्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा ये बचेगा 990 क्योंकि सप्ट्रैक्शन तो दोनों तरफ करना पड़ेगा ना जब हम सप्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको मान लो सेकेंड इसको मान लो सेकेंड इसको मान लो फर्स्ट तो मैंने क्या किया सेकेंड माइनस फर्स्ट ओके तो मैंने सेकेंड में से फर्स्ट माइनस कर दिया ठीक सेकेंड माइनस फर्स्ट ये टू माइनस वन नहीं है ओके okay? ये वो वाला टू नहीं है ठीक इस, इस पूरे को मैंने टू नाम दे दिया सेकेंड ठीक है और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस यू कैन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस यू कैन राइट ऑल्सो राइट लाइक दिस सेकेंड ओके एंड दिस इज द फर्स्ट वन सो मैंने क्या किया सेकेंड माइनस फर्स्ट जब मैं सेकेंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा इतना जो पार्ट है इतना डेसिमल के बाद वाला इतना जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ओके okay? इतना जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 252, ओके okay? और जो सप्ट्रैक्शन होगा देखो जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कोई राइट हैंड साइड है ठीक हमारे पास कोई लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जब हम सप्ट्रैक्शन करते हैं तो दोनों साइड करते हैं जब हम डिवीज़न करते हैं तो दोनों साइड करते हैं मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो दोनों साइड करते हैं यानी हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन जब करते हैं तो वो दोनों साइड ही करते हैं ठीक तो मैंने सप्ट्रैक्शन किया तो मैंने दोनों साइड किया ठीक है ना क्योंकि सप्ट्रैक्शन एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है ठीक है अगर मैं सप्ट्रैक्शन करूँगा तो मैं दोनों साइड करूँगा ठीक तो मैंने जब सप्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास नौ सौ नब्बे बचा ठीक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू फिफ्टी टू अपॉन नौ सौ नब्बे ओके तो ये क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स p अपॉन q की फॉर्म ठीक है और इसी में मुझे कन्वर्ट करना था अब देखो कि ये जो नंबर था ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था ठीक है और जैसा कि हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता बट ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बट हमने इसको कन्वर्ट किया क्यों कन्वर्ट कर पाए क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज़ थी सिमिलैरिटीज़ का मतलब है कि जैसे फाइव फोर था तो फाइव फोर बार बार रिपीट हो रहा था ठीक है ना बाइाइव फोर एक नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है ठीक है ना एक सिमिलर नंबर रिपीटेशन में आ रहा है ठीक है इसी तरीके से अगर कोई सिमिलर नंबर रिपीटेशन में आ रहा है तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बट अगर कोई नंबर सिमिलर नहीं हमें नहीं पता जैसे वन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ पॉइंट के बाद जैसे कि पॉइंट के बाद है मेरा वन टू फिर फाइव आ रहा है फिर नाइन आ रहा है ठीक है फिर सेवन आ रहा है फिर थ्री आ रहा है यानी अगला नंबर हम प्रिडिक्ट कर सकते ठीक है अगला नंबर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट इसमें हम अगला नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हैं ठीक है ये आगे भले ही बढ़ता जा रहा है बट अगला नंबर हमें पता होगा कि क्या होगा ठीक है तो इस नंबर को हम यू कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ बी अपॉन क्यू ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इफ़ यू लाइक दिस क्वेश्चन दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट ओके सो दिस इज वॉल्ड ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर वन सो लेट सी दी क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्रेस जीरो पॉइंट टू फोर फाइव के ऊपर बार है एज अ फ्रैक्शन इन से ब्लेस्ट फॉर्म ओके यानी पी एपॉइन क्यू के फॉर्म में लिखना है ठीक सो लेट सी दे कैसे होगा इसको भी मैं क्या करता हूं x के बराबर मान लेता हूँ ठीक है x के बराबर मान लेता हूँ और मैंने क्या लिखा 0.245 की पावर बार ये किसके बराबर मान लिया x के बराबर ठीक है इसका बार का मतलब क्या होगा कि एक नंबर है ये रिपीट हो रहा है ठीक है रिपीटेशन में आ रहा है एक सिमिलर टाइप का नंबर ठीक है देखो 245 फिर अगेन क्या आ रहा है 245 फिर अगेन आ रहा है 245 यानी हम अगला नंबर प्रडिक्ट कर सकते हैं ना इसमें भले ही ये आगे बढ़ता जा रहा है बट वी कैन प्रडिक्ट नेक्स्ट नंबर ओके सो so, अब हम क्या करेंगे अगर मैं दोनों साइड थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूं, मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहा हूं, जो कि एक अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है ठीक है मल्टीप्लिकेशन, ठीक अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ओके ठीक अगर मैं कोई ऑपरेशन करता हूं, तो मैं दोनों साइड करता हूं, मैंने क्या किया हज़ार से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड मल्टीप्लाई बाई वन थाउजेंड ओके सो क्या बना वन थाउजेंड एक्स इज इक्व टू टू फोर फाइव डॉट टू फोर फाइव टू फोर फाइव टू फोर फाइव डैश 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 ओके ये हो गया ठीक अब हम क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि हमें फॉर्म मिल जाएगी फ्रैक्शन वाली फॉर्म मिल जाएगी ठीक है तो ये जो नंबर है ये जो नंबर है ये क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है इसको मैं बोल देता हूँ सेकेंड लेट से दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट एंड आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड ओके सो सेकेंड माइनस फर्स्ट ओके सो so, क्या मिलेगा मुझे मुझे मिलेगा कि अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या मिलेगा नाइन 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 एक्स ओके यही तो मिलेगा एक ही तो कम हुआ है ठीक बराबर दो सौ पैंतालीस ओके तो एक्स की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई दो सौ पैंतालीस अपॉन नाइन नाइन एंड नाइन ओके सो ये आ गई ठीक तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ठीक है So this is our question number two. Tick. So let's see the another one, another question. Tick. So this is question number three and uh, three, 0 0.3 bar. Okay. सो so, तीन के ऊपर क्या है बार है एंड यू नीड टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ वी अपॉन क्यू सो लेट्स ए कैसे होगा इसको भी सेम एक्स को मैं क्या कर लेता हूँ ज़ीरो पॉइंट तीन बार के बराबर मान लेता हूँ ठीक है अब मैंने क्या किया इसका मतलब क्या है बार का मतलब क्या है तीन क्या है रिपीट हो रहा है कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे नहीं पता कितनी बार रिपीट हो रहा है ठीक है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ठीक बट अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 3.33333 ठीक है इस टाइप का मिलेगा ठीक लेट से दिस इज सेकेंड लेट से दिस इज सेकेंड एंड लेट से दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट ओके तो आई एम गोइंग टू सप्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ठीक है तो मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा नाइन एक्स ठीक और इतना जो पार्ट है इतना जो पार्ट है वो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है इतना जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और तीन में से ज़ीरो माइनस करेंगे तो तीन ही आएगा ये डेसिमल है ठीक है यहाँ यहाँ देखो ये डेसिमल है इसे मत भूलना ठीक जब मैं माइनस करूँगा तो डेसिमल के बाद वाला जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक थ्री माइनस ज़ीरो इज़ थ्री सो यू कैन राइट लाइक दिस 3 upon 9. Okay. So this is the our simplest form. 3 upon 9. This is the value of x. Okay. So you can write 0 0.3 like this. Okay. So let's see the another one question. Next question. Question number 5. 5 bar. Okay. So let's see. Let's suppose x is equal to zero point five bar. Okay, so x is equals to zero point five 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 five, and कितनी बार repeat होगा nahi So I am going to multiply ten both sides. So five point this is the decimal. This is the decimal. Five point five five. फाइव ओके जस्ट लाइक दिस ओके सो दिस इज सेकंड, ये पूरा क्या है ये पूरा सेकेंड है ठीक है ये पूरा क्या है सेकेंड है और ये क्या है पूरा फर्स्ट है ठीक ये पूरा क्या है फर्स्ट ओके okay? अगर मैं मन सब्ट्रैक्ट करता हूं सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड माइनस फर्स्ट सो वट आई हैव नाउ दस में से टेन एक्स में से एक्स गया तो नाइन एक्स ओके ये डेसिमल के बाद फाइव 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 है या फाइव पॉइंट के बाद फाइव 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 है तो ये जो है ये जो है ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है ये फाइव 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 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइव में से जब ज़ीरो माइनस करेंगे तो फाइव बचेगा ठीक एक्स तो बराबर फाइव अपॉन नाइन ओके So this is the our simplest form x equals to five upon nine. Okay. So, so let's end this session and uh, before you have this is our YouTube channel Educative YouTube channel. Okay, you have to subscribe it, share it and like it. Okay, and don't forget to hit the bell icon for the latest update. Okay. So goodbye.